मैंने उससे कहा कि भूला नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ तेरा निगाहों से वो मुस्कुराना। उसने मुझसे कहा कि नीट में सेलेक्ट हो जाओ, बाद में आना। तो निगाहों से याद आया, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेंसरी ऑर्गन्स। अपना बाकी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आई एंड ईयर, है ना, मोटे मोटे तौर पे क्या, अपनी आंख और अपने कान, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा कि सेंस ऑर्गन अपनी बॉडी बॉडी में कौन से होते हैं। आप सबको पता है कौन सी, आंखें हमारी, कान हमारे, नोज यानी नाक अपना, टंग यानी जीभ अपनी, स्किन, है ना, बोलते हैं ना पांच इंद्रियां होती है। पांच इंद्रियां कौन सी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ऐसे बोलते थे ना जब हिंदी में पढ़ते थे। तो यही वही सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। अब यहां पे कुछ बातें इसकी स्मेल और टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो स्मेल के लिए होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर जो होते हैं वो टेस्ट के लिए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आपको याद रखना है, देखो ऑल्फैक्टरी, और जहां फैक्ट्री होती है वहां से क्या आती है, स्मेल आती है ना, फैक्ट्री में काम चलता है तो गंदी स्मेल आती है, तो फैक्ट्री से आती है स्मेल। और गस्टेटरी से याद आना चाहिए गैस्ट, है ना, गस्टेटरी से याद आना चाहिए गेस्ट। तो गेस्ट जब घर में आते हैं तो टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी अपनी रिमूव हो गई। अब अपने को क्या पढ़ना है, आई पढ़नी है और ईयर पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आई के बारे में, सबसे पहले हम आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आई के बारे में ये आपके सामने जो भी लिखा हुआ दिखेगा ना, इसको मैं सिर्फ इस डायग्राम से उड़वा दूंगा, आपका बहुत मजा आ जाएगा। पर एक ही विनती है आपसे, एक ही गुजारिश है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। तीसरी बार फिर से बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सब कुछ याद करवा के भेजूंगा, मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में फिर से वीडियो देख रहे हो या फिर से पढ़ रहे हो, नहीं, यहीं पर याद करवा के भेजूंगा, है ना। और मन करे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना क्या, आई, ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है आई वाला, ठीक है। देखो आई में क्या होती है, अपनी तीन लेयर होती हैं, आई की अपनी तीन लेयर होती हैं, जिसमें एक होगी आउटर होगी, एक होगी मिडल होगी, एक होगी इनर होगी, ठीक है। तो आई की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। मिडल जो लेयर होती है उसको कोरोइड बोलते हैं, और इनर लेयर को रेटिना बोलते हैं। इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। अब आपको बोलना चाहिए कि तूने ये तीन लेयर तो बता दी, पर ये तीन लेयर इस डायग्राम में कहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्लेरा की, सिर्फ स्क्लेरा की बात करने जा रहे हैं। देखो ये अपनी स्क्लेरा है, ये सबसे आउटर जो लेयर है ये अपनी स्क्लेरा है, सबसे आउटर जो लेयर है ये अपनी स्क्लेरा है, जो रेड कलर में धम 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 करती हुई जा रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे बॉडी का ये वाला है वो एंटीरियर साइड है, बॉडी का ये वाला पोस्टीरियर साइड है। अब ये कैसे कर रहे हैं ना, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकती है यार, बच्चे हैं तो हो सकती है कंफ्यूजन भी। सिंपल सी बात क्या है, ए फोर एंटीरियर, ए फोर आगे वाली साइड, मतलब ये बॉडी की आगे वाली साइड है, ये बॉडी की पीछे वाली साइड है, बात यहां पर खत्म हो चुकी है, ठीक है, ये भी कंफ्यूजन भी दूर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने ये एंटीरियर पोस्टीरियर आपको क्यों बताया, ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि स्क्लेरा का, कि स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है ना, स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये ब्लू कलर में मैं आपको दिखा देता हूं। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, देखो ये बाहर सा निकला हुआ थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्निया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरा के बारे में इससे फालतू जानकारी आपको नहीं चाहिए होगी, स्क्लेरा के बारे में यहां थोड़ा बहुत लिखा होगा तो वो दिखा देता हूं मैं आपको। क्या है, मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एंटीरियर पोर्शन को कॉर्निया बोलते हैं। इससे फालतू कुछ जानकारी स्क्लेरा में अपने को नहीं लेनी है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो स्क्लेरा डन है, अब स्क्लेरा को यहां से उड़ा देते हैं, स्क्लेरा को यहां से उड़ा देते हैं ताकि अपनी खिचड़ी ना बने, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपनी मिडल लेयर यानी कोरोइड के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोइड बोले तो यहां पे ये प्रेजेंट है, देखो ये मिडल लेयर है ना, स्क्लेरा के बाद ये वाली मिडल लेयर,
ये वाले, ठीक है। अब कोरोइड के बारे में जो लिखा हुआ अपने को याद करना है वो क्या याद करना है कि ये ब्लूइश दिखती है, ये कलर में ब्लूइश दिखती है। अब ब्लूइश क्या है, क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसमें मैनी बहुत सारी इसमें अब ब्लड वेसल होती है, ये तो हो गया रटा रटाया ज्ञान। अब इसमें कोरोइड में जो मेन ज्ञान है ना उसको देख लो, मेन ज्ञान है जो इसको देख लो। देखो यहां से भी ये आ रही अपनी, क्या आ रही है, कोरोइड आ रही है, यहां से भी कोरोइड आ रही है, ठीक है। अब क्या है, कोरोइड यहां पर आके क्या हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है। देखो ये थिक हो चुकी है, कोरोइड यहां पर आगे की साइड आके थोड़ी सी थिक, मोटी मोटी सी हो जाती है। अब ये जो थिक हो चुकी है, इस थिक को क्या बोलते हैं, इस थिक को देख लो आप, यहाँ पे ऑटोमेटिक लेबलिंग करनी ही नहीं पड़ रही है, सिलियरी बॉडी इसको बोलते हैं। कोरोइड आगे आके थिक हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी बोलते हैं, सिलियरी बॉडी, ठीक है। वैसे टेक्निकली ये भी सिलियरी ही बॉडी में आ जाएगा, सिलियरी ही बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि लेंस को हेल्ड किया ना इसने, लेंस को पकड़ा हुआ है, तो ये भी सिलियरी में आएगा, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी क्या है, सिलियरी बॉडी क्या कर रही है, ये जो अपना लेंस है, ये जो अपना लेंस है, इसको इसने क्या हुआ है, एक तरीके से होल्ड किया हुआ है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है, ये बात भी अपनी एनसीईआरटी की क्लियर हो चुकी है। अब देखिए यहां पे ये आइरिस कैसे बनेगी, देखो सिलियरी बॉडी के आगे ही ये देखो आइरिस बन रही है अपनी, ये जो झाड़ू सा बन रहा है, ये जो झाड़ू सा बन रहा है, ये क्या है, सिलियरी बॉडी के आगे ही ये भी मसल होती है, ठीक है। ये क्या है, ये अपनी आइरिस है, ठीक है। अब जो ये पोर्शन बच गया ना, देखो ये अपना क्या है, लेंस है, लेंस को थोड़े अलग कलर से करते हैं आयरिस और लेंस में, ताकि भड़बड़ भड़बड़ ना हो जाए। ये अपना लेंस है और ये ब्लैक में क्या है आयरिस है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आयरिस के, यहाँ पे बीच में बचा जो लेंस डायरेक्ट अपने को दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जितनी लाइट होगी ना, जितनी लाइट, जैसे कि बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत कम लाइट है, उसके हिसाब से ये जो आयरिस है ना, मैंने बोला कि मसल हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती है, तो जितनी लाइट आंखों में अपने को आने देनी है उस हिसाब से ये वो होते रहते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ तक भी आ सकते हैं और ये पीछे तक, यहाँ तक भी जा सकते हैं, है ना। ये प्यूपिल को क्या करेंगे, छोटा बड़ा करते रहेंगे, है ना, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से। सिंपल सी बात है। तो ये था अपना कोरोइड के बारे में, इससे ज़्यादा जानकारी अपने को नहीं चाहिए है, ठीक है। अब आती है सबसे ज़रूरी वाली जो असली अपने देखने में काम आएगी, है ना, वो क्या है, रेटिना। इनर लेयर कौन सी है, रेटिना, ये वाली है इनर लेयर रेटिना, ये वाली है इनर लेयर रेटिना, ठीक है। अब रेटिना को समझाने के लिए वैसे यहाँ बता देता हूँ रेटिना में क्या क्या होता है। इसमें तीन लेयर होती है सेल्स की, गैंग्लियोनिक, बायपोलर, फोटोरिसेप्टर, ठीक है। अब रेटिना को समझाने के लिए हमें दूसरी धरती पे जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल सफ़ेद धरती होती है ना, सफ़ेद धरती पे चलते हैं, दो मिनट फिर से यहीं पे आ जाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी सफ़ेद धरती पर आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैक्सिमम गड़बड़ी होती है, यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे अपने को कन्फ्यूजन रहती है, कौन सी सेल बाहर थी, कौन सी सेल अंदर थी, है ना, मैकेनिज्म ऑफ विजन, है ना, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ गया, लाइट कैसे कैसे गई, वही सबसे बड़ी गड़बड़ी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा कृपया करके एक्स्ट्रा ध्यान चाहूँगा। देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, ये मान लो अपनी आई की आउटर लेयर है, जिसको हमने स्क्लेरा बोला था, आउटर लेयर है ना, यहाँ मैं लेंस बना लेता हूं, यहां पे अपना लेंस था, ठीक है। ये अपनी आई की आउटर लेयर है, और ये क्या थी, आई की मिडल लेयर थी, जिसको हमने कोरोइड बोला था, ये आई की मिडल लेयर थी जिसको हमने कोरोइड बोला था, और इनर लेयर, आई की इनर लेयर को हमने क्या बोला था, रेटिना बोला था। ये ब्लैक कलर वाली क्या है, अपनी रेटिना है, ब्लू कलर वाली अपनी कोरोइड है, और रेड कलर वाली अपनी स्क्लेरा है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जाहिर सी बात है लाइट कहाँ से आएगी, ये लेंस है, तो लाइट यहाँ से एंट्री लेगी और लाइट कहाँ पड़ेगी, अपनी रेटिना के ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना रेटिना का ये जो पोर्शन है मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ कि लाइट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, समझ रहे हो। रेटिना का मान ले ये ऐसे है, तो इस पोर्शन को मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम, ठीक है। देखो फिर से वही चीज़ें हम करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, देखो क्लियर विजन मिलना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ये हमने क्या बना ली, अपनी स्क्लेरा बना ली,
ये हमने क्या बना ली फिर, अपनी कोरोइड बना ली है। फिर मैंने क्या करा, इस पोर्शन को जूम करने के लिए मैं इस लेयर को थोड़ा सा ऐसे मोटे तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्या, कौन सा पोर्शन बना दिया है, मैंने ये वाला पोर्शन को थोड़ा मोटा करके आपको दिखाया है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पूरी अपनी रेटिना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपनी रेटिना ही है, रेटिना ही है, बस हमने जूम किया है। अब यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी तीन टाइप, वो देखते हैं। पहली सेल होंगी कौन सी, गैंग्लियोनिक सेल्स, पहली सेल होंगी गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल की लेयर हुई पहली लेयर। दूसरी लेयर आएगी कौन सी सेल की, बाइपोलर सेल की, दूसरी लेयर आएगी बाइपोलर सेल्स की। और थर्ड लेयर जो आएगी सबसे जरूरी जो है वो है फोटो रिसेप्टर सेल। वैसे तो सारी ही जरूरी है, एक के गायब होते ही गड़बड़ी है, पर सबसे जरूरी यहाँ पे अपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल में क्या क्या होता है, रोड्स कौन से, वो हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे बस इतना समझो, ठीक है। तो कैसे लेयर है, अब देखो ये पूरी, यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये अपनी पूरी आई थी है ना, ये पूरी अपनी आंख थी। अब देखो आपसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन तीनों में से सबसे अंदर कौन सी है, यानी इनसाइड कौन सी है, और सबसे बाहर यानी आउटसाइड कौन सी है। तो ध्यान दो, ये जो हमने है ना ये जूम किया है, वैसे तो सिर्फ हम इतनी लेयर में पढ़ रहे हैं, इतनी लेयर को ही हम जूम करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे अंदर कौन सी मानी जाएगी, गैंग्लियोनिक सेल सबसे अंदर मानी जाएगी और फोटो रिसेप्टर सेल सबसे बाहर वाली साइड मानी जाएगी, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो लाइट जो है वो कहां से आएगी, है ना, यहां पे अपना लेंस रहेगा, लाइट आएगी यहां से, यहां से, यहां से लाइट आ चुकी है, ठीक है। अब लाइट कहां पड़ेगी, यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, हाँ, अपने को क्या लगता है कि फोटो रिसेप्टर यानी जो लाइट को रिसीव करेगी तो सबसे पहले लाइट इस पे ही पड़ती होगी, और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। लाइट सबसे पहले पड़ेगी कहां, गैंग्लियोनिक सेल पे पड़ेगी, बट इसमें लाइट के लिए, लाइट को रिसीव करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लाइट कहां पहुंची, बाइपोलर सेल्स के पास पहुंची, तो इनके पास भी लाइट के लिए कुछ भी, कुछ ऐसा खास रिसीव करने के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर लाइट कहां पहुंचेगी, फोटो रिसेप्टर के पास, है ना, फोटो रिसेप्टर सेल के पास, और इनका तो नाम ही क्या है, फोटो यानी लाइट को रिसेप्टर यानी रिसीव करने वाले, तो इन पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और वो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है तो एक्शन पोटेंशियल अब कहां ट्रांसफर होगा, बायपोलर सेल के पास ट्रांसफर होगा, और बायपोलर सेल से एक्शन पोटेंशियल कहां ट्रांसफर होगा, गैंग्लियोनिक सेल के पास ट्रांसफर होगा। अब गैंग्लियोनिक सेल है ना, जो गैंग्लियोनिक सेल उनके एक्सोन जो मिलेंगे ना, ये देखो मान लो बहुत सारी गैंग्लियोनिक सेल के जो एक्सोन हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, वो मिलके बना देते हैं ऑप्टिक नर्व, वो बना देते हैं ऑप्टिक नर्व बना देते हैं, ये बन गई ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब क्या है, सिग्नल कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व पे जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो समझ रहे हो ना, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे पहुंचा, फोटो रिसेप्टर सेल से बायपोलर सेल पे पहुंचा, फिर यहाँ से गैंग्लियोनिक सेल पे, फिर गैंग्लियोनिक सेल के क्या है, ये ऑप्टिक नर्व बना दी है इन्होंने। अब ऑप्टिक नर्व से ये सिग्नल कहाँ पहुंच जाएगा, देखो ऑप्टिक नर्व, देखो आँख को, आँख से बाहर ही तो निकलेगी इसी भी से बाहर, तो ये सिग्नल अपना चला जाएगा ब्रेन में चला जाएगा, सिग्नल अपना कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे होता है ना, याद रखना है, जो लाइट की डायरेक्शन है वो ऐसे है और एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन वो ऐसे है, बिल्कुल सारी कन्फ्यूजन क्लियर है। अब हम चलते हैं दोबारा अपना वहीं पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, कहाँ पे रह गए थे आप, सफ़ेद वाली ज़मीन पे रह गए थे, मैं बहुत देर से यहाँ पे आपका वेट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो ये अपनी क्या है, कॉर्निया है, ये अपना क्या है, लेंस है, और ये क्या है, अपनी रेटिना है, ठीक है। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ये बन रहा है, ये तालाब बन रहा है, इसको बोलते हैं एक्वियस चैम्बर बोलते हैं, है ना। और लेंस और रेटिना के बीच में ये बड़ा तालाब बन रहा है, इसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं, ये बात भी यहाँ पे क्लियर अपनी हो चुकी है,
ठीक है, अब हमें आगे बात करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पे मैं आपको चीजें बता दूं, कुछ चीजें बता दूं कि ये चीजें हम कितनी यहाँ पे कर चुके हैं, है ना। लेयर्स ऑफ आई क्या है, कर चुके हैं स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है, सिलियरी बॉडी बिल्कुल कर चुके हैं, आयरिस हम बिल्कुल कर चुके हैं, और विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, है ना। बोलते हैं ना किसी की आंखें काली है, किसी की ब्राउन है, किसी की नीली है, तो वो आयरिस की वजह से ही होती है, ठीक है। और क्या है, लेंस हम देख चुके हैं, लेंस को कौन होल्ड करता है, सिलियरी बॉडी लिगामेंट्स के थ्रू उसको होल्ड करती है, ठीक है। प्यूपिल हम देख चुके हैं, और क्या है जो मसल ऑफ आयरिस है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है प्यूपिल का डायमीटर। मैंने बोला था ना जितनी अपने को चाहिए उतना वो छोटा बड़ा होता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज हम देख चुके हैं, रेटिना में तीन तीन लेयर होती है सेल्स की, कौन सी हमने डायग्राम में देखी थी, गैंग्लियोनिक सेल्स होती है, बाइपोलर सेल्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है ना। और हमने इनकी क्या देखी थी, अरेंजमेंट भी देखी थी। ब्लाइंड स्पॉट को अभी होल्ड कर दीजिए, फोविया को अभी होल्ड कर दीजिए, एक्वियस चैम्बर हम देख चुके हैं, विट्रस चैम्बर हम देख चुके हैं। अब अपनी बारी आती है फोटो रिसेप्टर सेल की। फोटो रिसेप्टर सेल कहां पे है, ये है अपनी फोटो रिसेप्टर सेल। मैंने बोला था ना कि फोटो रिसेप्टर जब इन पे लाइट आएगी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और फिर एक्शन पोटेंशियल कैसे जाएगा, इनके पास जाएगा, फिर इनके पास जाएगा, फिर कहां ब्रेन में जाता है अपनी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो फोटो रिसेप्टर सेल को देखना बहुत ही आवश्यक है। देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, एक होते हैं रोड्स, एक होते हैं कोन्स, एक होते हैं रोड्स, एक होते हैं कोन्स। यहीं पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आर फॉर रोड्स, आर फॉर रात, है ना। रात को यानी बिना लाइट के, है ना, बिना लाइट के रात में अगर हम देख रहे हैं तो अपने कौन का मारे हैं, रोड्स का मारे हैं, और दिन में यानी कलरफुल कलरफुल दुनिया जब हम देखते हैं तो क्या है अपने कोन्स में, कोन्स अपने काम में आ रहे हैं। ये आ गया अपना डिम लाइट विजन और ये डे लाइट विजन, ठीक है। अब रोड्स में, रोड्स के अंदर कैसा पिगमेंट होता है, नाम में ही आ रहा है रोड्स, यानी रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, पिगमेंट होता है, और इनमें आयोडोप्सिन, ठीक है, इनमें क्या होता है, रोडोप्सिन इनमें क्या होता है, आयोडोप्सिन होता है, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब रोडोप्सिन किससे मिलके बना है, रोडोप्सिन मिलके बना है ऑप्सिन प्लस रेटिनल, ठीक है। रोडोप्सिन किससे मिलके बना है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। अब ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, और रेटिनल 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 अल जो होता है, अल जो होता है किसका होता है, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, तो ये विटामिन ए का कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, रोडोप्सिन जो है, रोडोप्सिन यहां पे साफ कर लेता हूं, दोबारा से करते हैं। देखो रोडोप्सिन जो है वो किससे मिलके बना है, ऑप्सिन से प्लस रेटिनल से। ऑप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, और रेटिनल क्या है, एक एल्डिहाइड है। याद रखना है किसका एल्डिहाइड है, विटामिन ए का है, ठीक है। और यहां बात करें कोन्स की, बात करें तो कोन्स तीन टाइप की सेल होती है, एक रेड कलर के लिए, है ना, हम लाल कलर देखते हैं, ग्रीन कलर के लिए, एक ब्लू कलर के लिए, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल दूं, इसको मैंने जानबूझ के बार बार बताया है क्योंकि अपना काम में यही आने वाला है, मैकेनिज्म ऑफ विजन में, ठीक है। अब देखो हम वो बात कर चुके थे, है ना, कि लाइट यहां से आ रही थी, लाइट यहां से आ रही थी, और अपने पास पहले क्या थी, गैंग्लियोनिक सेल थी, फिर कौन सी थी, बाइपोलर सेल थी, फिर अपने पास कौन सी थी, फोटो रिसेप्टर सेल थी, ठीक है। और इस पे लाइट आई थी तो लाइट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, फिर इस पे लाइट आई, लाइट का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फिर लाइट कहां पहुंचती है, फोटो रिसेप्टर के साथ, फोटो रिसेप्टर सेल के पास पहुंचती है, ठीक है। लाइट कहां पहुंच चुकी है, फोटो रिसेप्टर के पास पहुंच चुकी है, और फोटो रिसेप्टर के पास क्या है, रोडोप्सिन है ना, फोटो रिसेप्टर में ही तो है रोड्स, तो इनके पास है रोडोप्सिन, ठीक है। अब लाइट जब रोडोप्सिन के ऊपर पड़ेगी, समझना मेरी भावनाओं को समझना, लाइट जब रोडोप्सिन के ऊपर पड़ेगी तो रोडोप्सिन को लगेगा एक बहुत तगड़ा थप्पड़, तो उस थप्पड़ को लगते ही क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी रेटिनल में और ऑप्सिन में, है ना। बनी किससे थी, ऑप्सिन और रेटिनल से बनी थी रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन जो है वो टूट जाएगी रेटिनल एंड ऑप्सिन में, ठीक है। अब इनके टूटते ही, है ना, ऑप्सिन बेचारा अकेला हो गया है, तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में क्या है, चेंज आ जाएगा, ठीक है। इनके अलग होते ही ऑप्सिन जो है वो बेचारा अकेला हो गया है, तो ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, और उसी की वजह से क्या है, रेटिना के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। उसी की वजह से क्या होगा, रेटिना के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे है ना, मैंने बोला था ना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो कहां ट्रांसमिट होगा, बायपोलर सेल में, फिर कहां ट्रांसमिट होगा, गैंग्लियोनिक सेल में, और फिर कहां जाएगा वो, ऑप्टिक नर्व में, फिर कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से कहाँ पहुँच जाएगा वो, ब्रेन में पहुँच जाएगा, ब्रेन में। वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं,
अब देखो, मैंने आपको कहा था कि दो चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी देर के लिए होल्ड पे कर दीजिए। कौन सी थी? एक ब्लाइंड स्पॉट थी, एक फोबिया थी। देखो, इसका नाम में ही क्या है, ब्लाइंड। ब्लाइंड याने यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल अपसेंट होती हैं, मतलब यहाँ पे रोड भी अपसेंट है, यहाँ पे कोन भी अपसेंट है। ब्लाइंड यानी कुछ देख ही नहीं पाएगा ना, सिंपल सी बात है। रोड भी अपसेंट है, कोन भी अपसेंट है, फोटो रिसेप्टर सेल ही अपसेंट है, तो क्या ही ये देख पाएगा, इसीलिए ब्लाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोविया की। बात करते हैं फोविया के बारे में, पहली कन्फ्यूजन तो यहीं से आप रिमूव कर लो कि फोविया में ओनली एंड ओनली कॉन्स जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या है, रोड्स इसमें अब्सेंट है। इसमें रोड भी गए, कॉन भी गए, बट इसमें क्या है, ओनली ओनली क्या है, कॉन्स जो है वो डेंसली पैक्ड है, रोड्स इसमें अब्सेंट है। ठीक है, अब देखो एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं, ये वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें दोनों ही अब्सेंट है तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और इसमें कॉन्स हैं सिर्फ, वो भी डेंसली पैक्ड हैं, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि विजुअल एक्टिविटी जो होगी ना, वो रिजोल्यूशन होगा, वो इसमें हाइएस्ट होगा, हाइएस्ट। ये अंधा है, ब्लाइंड है, और इसमें विजुअल एक्टिविटी सबसे ज्यादा, सबसे हाइएस्ट होगी, क्योंकि ओनली कॉन्स, वो भी डेंसली पैक्ड है। ये बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं फोविया होता क्या है, मैक्यूला लूटिया क्या होता है। देखो, जो लूटिया वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है येलो कलर, है ना, जैसे कि कॉर्पस ल्यूटियम, तो ल्यूटिया वर्ड मतलब येलो कलर है। पहली बात तो ये येलो कलर है। और फोविया और इसमें क्या रिश्ता है, एक रफ डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ये मैक्यूला लूटिया है, मान लो ये क्या है, मैक्यूला लूटिया है, ये एक येलो कलर का है, वैसे ब्लैक से बनाया पर ये येलो कलर का है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो इसकी पिट दिखाई दे रही है ना, ये पिट, इसका गड्ढा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोविया बोलते हैं, इसको हम फोविया बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये क्या है, जो पिट है ये फोविया है। और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। और कौन सी साइड, ऐसे पूछ लिया जाए तो ये बॉडी की पोस्टीरियर साइड थी, ये एंटीरियर साइड थी, ये पोस्टीरियर साइड दिखाई दे रहे हैं, सिंपल है। अब आई, यहाँ पे आई का काम तमाम हो चुका है, अब हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, ईयर की तरफ चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है बॉडी का ऐसा ऑर्गन पढ़ने की जहाँ पे घुमा के थप्पड़ मारा जाता है, कहाँ पे, कानपट्टी पे, बोलते हैं ना कानपट्टी पे थप्पड़ एक सेक दिया गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंसानों के कान, यानी ह्यूमन ईयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ह्यूमन ईयर को आप क्या करो, तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक होगा एक्सटर्नल ईयर, एक होगा मिडल ईयर, और एक होगा इनर ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आएगा, आएगा ऑडिटरी मिएटस आएगी और टिम्पेनम आएगी, बोलते हैं ना कान का पर्दा, कान का पर्दा हम टिम्पेनम को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है देखो, मिडल ईयर में क्या क्या आएंगे, जो कान में हड्डियां होती हैं वो आएंगी, ईयर ओसिकल्स आएंगी, कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर का ही यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, क्योंकि जो है ना ईयर का लेखा जोखा जो है वो ये वाला है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। इनर ईयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेबरिंथ होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इनर ईयर का ही दूसरा नाम क्या होता है, लेबिरिंथ होता है। अब लेबिरिंथ दो टाइप का हो सकता है, बोनी लेबिरिंथ हो सकता है और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हो सकता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे जो इनर ईयर है ना अपना, जो सारा खेल है ना, जो सारा खेल अपने क्वेश्चंस का, कंफ्यूजन का चलेगा, वो इनर ईयर पे चलेगा, इसमें इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। इनर ईयर के दो फंक्शन हमारे पास होते हैं, देखो जो मैं फ्लो आपको बता रहा हूं ना, उसी फ्लो से पकड़ना, मैं जो रफ डायग्राम बताऊंगा उस रफ डायग्राम को देख लेना ना, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखो, इनर जो ईयर है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो क्या होता है, बैलेंसिंग, और दूसरा है हियरिंग, है ना। हमें क्या लगता है कि जो अपने ईयर का फंक्शन है वो सिर्फ है क्या है, आवाजों को सुनना, बट उसका काम बैलेंसिंग भी होता है। इनर ईयर के दो फंक्शन है, एक बैलेंसिंग, एक हियरिंग, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग किसकी हेल्प से होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस की हेल्प से होती है, और हियरिंग जो है वो कोक्लिया की हेल्प से होती है, और इसके बारे में हम एक बार फिर से दोबारा चर्चा करेंगे, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम ये करने वाले हैं, देखो ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सारा एनसीईआरटी से निकल
निकल के आया है कि कहाँ पे एंडोलिम्फ भरा है, कहाँ पे पेरिलिम्फ भरा है, अपने को समझ ही नहीं आता है ना। तो जहाँ कुछ समझ ना आए और अपने को एनसीईआरटी को दिमाग में फिट करना हो तो क्या करिए, रफ डायग्राम का सहारा लीजिए, रफ डायग्राम की मदद लीजिए। तो ये जो सारा पोर्शन है ये आपको करवाने के लिए मैं आपको सिर्फ दो रफ डायग्राम बताऊंगा, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो अब देखो, मैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बनाने जा रहा हूं, ये है मेरा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। और उसके बाहर मैं बना देता हूं ये बोनी लेबिरिंथ है, ये है मेरा बोनी लेबिरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये बोनी लेबिरिंथ है। अब देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या है, वो फिल होता है किससे, एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है, और बोनी लेबिरिंथ किससे, पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे भरा होता है, एंडोलिम्फ से, और बोनी लेबिरिंथ किससे भरा होता है, पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ से, ठीक है। अब देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर बाहर सराउंडेड बाई है ना, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, मेम्ब्रेन लेबिरिंथ इज सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ, ऑटोमेटिक है, रफ डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्लियर है, ये पहली चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एक और रफ डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तीन बॉक्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तीन बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये वाला बॉक्स अपना बीच में है तो इसको क्या बोल देंगे, स्केला मीडिया बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, स्केला मीडिया बोल देंगे, और ये बोला होता है अपना स्केला वेस्टिबुलाई, और ये वाला होता है अपना स्केला टिम्पेनी, ठीक है। ये बीच में है यानी इसका मीडिया यानी मीडियम यानी बीच में है, तो ये हो गया स्केला वेस्टिबुलाई होता है, और ये क्या होता है, स्केला टिम्पेनी होता है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसमें पेरिलिम्फ है, किसमें एंडोलिम्फ है ना। अब देखो एंडो है ना, एक होता है अपना क्या, पेरिलिम्फ होता है, एक अपना होता है एंडोलिम्फ। अब नाम से आ रहा है एंडो, एंडो यानी वो अंदर वाली साइड होगा, और इन तीनों में अंदर वाली साइड कौन सी है, ये वाली है ना, ये भी बाहर वाली है, ये भी बाहर वाली है। तो यहां होगा एंडोलिम्फ, और इन दोनों में क्या कर दीजिए फिर, पेरिलिम्फ कर दीजिए, पेरिलिम्फ कर दीजिए। तीन क्वेश्चन बन चुके हैं यहां पे एनसीईआरटी के, स्केला वेस्टिबुलाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ, और स्केला टिम्पेनी फिल्ड विद पेरिलिम्फ। और यहीं पे मैं आपको एक चीज बता, देखो एक और वर्ड सुना है ना आपने, इंग्लिश का वर्ड है और, है ना, जैसे ए और बी या एप्पल और बनाना है ना, तो और को पकड़ना है और ऊपर से लिख देना है और, ऊपर से लिख देना है और, यानी क्या है, यानी क्या है, यहां पे क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट, स्केला टिम्पेनी एंड्स एट। इससे क्या बना, इससे अपने को क्या याद हुआ कि स्केला वेस्टिबुलाई कहां पे एंड होता है, और ओ यानी ओवल विंडो पे एंड होता है, और स्केला टिम्पेनी कहां एंड होता है, कहां एंड होता है, राउंड विंडो पे एंड होता है ना। ये छोटे छोटे रफ डायग्राम यार आपको एनसीईआरटी को आपके दिमाग में फिट करके भेज देंगे, है ना। देख लो आप कितनी बातें क्लियर हो रही है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या होता है, एंडोलिम्फ, बोनी लेबिरिंथ में पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ सराउंडेड बाई पेरिलिम्फ, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, स्केला टिम्पाइनी में पेरिलिम्फ होता है, स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ, स्केला वेस्टिबुलाई और एंड्स एट, है ना, ये हमने किया ना अभी, और वाली ट्रिक की, ओवल विंडो, स्केला टिम्पाइनी, एंड्स एट, राउंड विंडो। अब यहां पे तीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये मैं आपको एनसीईआरटी के इस डायग्राम से दिखाना चाहूंगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी तक हम कैसे कर रहे थे कि हमने तीन बॉक्स बनाए थे, इस चीज को समझने के लिए तीन बॉक्स बनाए थे, ये अपना क्या था, स्केला वेस्टिबुलाई था, और ये अपना स्केला टिम्पेनी था, और ये क्या था, अपना स्केला मीडिया था। और हम क्या बात कर चुके हैं, स्केला वेस्टिबुलाई किसका भरा होगा, पेरिलिम्फ का भरा होगा, और ये बीच में है तो ये एंडोलिम्फ का, और ये भरा होगा अपना, ये भी पेरिलिम्फ का, ये बातें हम कर चुके हैं। तो इसी चीज को यहां पे दिखाया गया है ना, ये जो रफ डायग्राम था वही ये है कि ये अपना क्या है, देखो तीन बॉक्स हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, और ये अपना तीन बॉक्स है ना। ऊपर वाला बॉक्स क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई है, और बीच वाला बॉक्स क्या है, स्केला मीडिया है, और नीचे वाला बॉक्स क्या है, स्केला टिम्पेनी है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। कौन सा क्या भरा होगा, देखो इसमें क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा, इसमें क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा, और इसमें भी क्या भरा होगा, पेरिलिम्फ भरा होगा। इतनी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो अपनी मेम्ब्रेन देखते हैं, मेम्ब्रेन कौन सी है, ये है अपनी रेजनर मेम्ब्रेन, ये है अपनी रेजनर मेम्ब्रेन, और दो जो अपने बहुत काम की मेम्ब्रेन है वो है, एक है ये वाली कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, और एक है ये वाली कौन सी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब देखो अपने को सुनाई कैसे पड़ता है ना, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वो हम समझना चाहते हैं, एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखो ये अपनी बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये अपनी है बेसिलर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन,
ये बना देता हूं मैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है ना। इसको एक रफ डायग्राम से समझ रहे हैं। देखो अभी तक हम बात कर रहे हैं कि यहां पे लिम्फ भरा हुआ है, वहां पे लिम्फ भरा हुआ है, हर जगह क्या है फ्लूड भरा हुआ है, है ना। अब सिंपल सी बात है, मान लो किसी गली में, गली मोहल्ले में डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, है ना, तो वो आवाज हमारे कानों में पड़ेगी। अब हमारे कानों में क्या है फ्लूड भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस फ्लूड में क्या बनेगी, वेव बनेगी। अब वेव आगे बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगी, वेव आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगी, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब अपनी वेव कहां तक पहुंच चुकी है, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच चुकी है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं, हेयर सेल्स लगे होते हैं, ये हेयर सेल्स में, है ना। अब हेयर सेल कहां से आए हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत, ठीक है। ये हेयर सेल लगे हुए, अब देखो वो वेव जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच चुकी है, मतलब जाहिर सी बात है बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट, है ना, ऐसे हलचल दिखाई पड़ेगी, है ना, इसमें क्या होगी, हलचल होगी, इसमें हलचल होगी, तो ये जो हेयर सेल्स हैं वो किसके अगेंस्ट प्रेस हो जाएंगे, ये किसके अगेंस्ट प्रेस हो जाएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये प्रेस हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसके प्रेस होने से क्या होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और यही एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक तरीके से सिग्नल बन जाएगा और कहां पे, अपने ब्रेन में पहुंच जाएगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब यहां पे इतना तो अपने को समझ में आ गया, पर यहां पे देखो मैंने बोला था इसकी मैं दोबारा से बात करूंगा, है ना, हम ये वाला पोर्शन अपना पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनर ईयर के दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन, है ना, क्या होते हैं दो फंक्शन, एक तो होता है बैलेंसिंग, एक क्या होता है बैलेंसिंग, एक होता है हियरिंग यानी सुनाई देना, है ना, एक बैलेंसिंग एक हियरिंग। अब बैलेंसिंग किसकी हेल्प से होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस की हेल्प से, और हियरिंग कोक्लिया की हेल्प से होती है। और यहां पे जो डायग्राम हमने देखा था ये कोक्लिया का ही डायग्राम देखा था, और हियरिंग कैसे होती है वो भी हम देख चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये वाला पोर्शन अपना देख चुके हैं, बचता है ये वाला, कौन सा, वेस्टिबुलर अपरेटस वाला, ठीक है। अब इसमें ये जो चार्ट आपके सामने है ना, ये बहुत बढ़िया चार्ट है, क्योंकि इसमें है ना बहुत अपने को याद भी नहीं होता है, समझ भी नहीं आता है कि ऑटोलिथ ऑर्गन्स है, क्यू यूट्रिकल, ये वो, है ना। अगर आप ये फ्लो पकड़ लोगे तो कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इससे कवर होगी। देखो हमने पढ़ा जो इनर ईयर है उसमें बैलेंस के लिए क्या चीज होती है, वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है। अब वेस्टिबुलर अपरेटस में इधर क्या है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, इधर ऑटोलिथ ऑर्गन है, इस बात को समझो। यहां पे बात की गई है डायनेमिक बैलेंस की और स्टैटिक बैलेंस की, है ना। डायनेमिक यानी जब हम हिल डुल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं, तब कौन बैलेंस बनाएगा, और स्टैटिक यानी हम एक जगह पर आराम से बैठे हैं तब कौन बैलेंस बनाएगा, ठीक है। तो वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चीजें होती हैं, एक तो डायनेमिक बैलेंस जो बनाती है उसको हमने बोला थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और एक स्टैटिक बैलेंस कौन बनाता है, ऑटोलिथ ऑर्गन बनाता है, ठीक है। अब देखो फ्लो पकड़ लो पूरा, है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो स्वोलन बेस है ना, स्वोलन यानी स्वेल करा हुआ बेस होता है, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। देखो एम्प्यूला वर्ड का मतलब ही होता है स्वोलन, मोटा थोड़ा, ठीक है। अब एम्प्यूला में क्या होते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस होती हैं, और क्रिस्टा एम्प्यूलरिस में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल, हेयर सेल पे रिसेप्टर होते हैं, हेयर सेल मैंने बोला था ना कि कहां पे हेयर सेल, जब हियरिंग में हम देख रहे थे, ठीक है। और इधर बात करें तो ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या होते हैं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल होते हैं, और सेक्यूल एंड यूट्रिकल में रिज होती हैं, और रिज को क्या बोलते हैं हम, मैक्यूला बोलते हैं, समझ रहे हो पूरा फ्लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत जरूरी है, है ना। सेक्यूल एंड यूट्रिकल में रिज होते हैं, और रिज में मैक्यूला होती है, और मैक्यूला में हेयर सेल होते हैं, हेयर सेल में रिसेप्टर, अल्टीमेटली हमें हेयर सेल तक ही पहुंचना था, सिंपल है। तो ये चैप्टर भी अपना भाई हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा कि कैसे आगे क्या करने वाले हैं, कौन से चैप्टर, उस हिसाब से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।